देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्वराज में आज देखिए क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की महान गाथा। चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे भारतीय क्रांतिकारी जिनके निस्वार्थ बलिदान और साहस को यदि परिभाषित करना हो तो शब्द भी कम पड़ जाएंगे। उनका जन्म 23 जुलाई सन 1906 में मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के एक प्रभावशाली सदस्य थे। उनकी देशभक्ति और साहस के किस्से हर हिंदुस्तानी के हृदय में देश प्रेम और जोश भर देता है। वही देश प्रेम और जोश जिसने हमें आजादी दिलाई थी। बाबा आप दूसरी बेंच पर बैठ जाइए, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तो बहुत थक गया हूँ बेटा, तुम जाकर वहाँ बैठो। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं बाबा, मैं यहाँ पहले से बैठा था ना, आप जाकर कहीं और बैठ जाइए। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या, कहा ना थक गए हैं, तुम उठो यहाँ से और जाके वहाँ बैठ जाओ। ये क्या तरीका है बाबा? तुम्हारा क्या तरीका है एक बुजुर्ग से बात करने का, वो भी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नागरिक से? हमारी पार्टी में आपकी उम्र का कोई नहीं है, बताइए कौन है आप? आजाद, तुम्हारी ये मजाक करने की आदत कब जाएगी? कभी नहीं। और अगर मैंने सच में गोली चला दी होती तो क्या होता? अरे 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 कैसी बातें कर रहे हो सुखदेव राज, आजाद को मारने वाला इंसान इस धरती पर अब तक पैदा ही नहीं हुआ है। आ जाओ मेरे भाई, गले नहीं मिलोगे। नेहरू जी के साथ जो बैठक हुई क्या हुआ? hey! लगता है इलाहाबाद की सारी पुलिस इधर ही आ गई है। फिक्र मत करो सुखदेव, ऐसे मौके हर बार नहीं मिलते, इतने सारे गोले इकट्ठे मारने मिल रहे हैं। और याद रखना हम आजाद थे, आजाद है और आजाद रहेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने युवाओं की एक सेना बनाई जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे कई युवा शामिल थे।
चंद्रशेखर आजाद इन युवाओं के गुरु बन गए। 15 साल की उम्र में चंद्रशेखर आजाद बनारस के काशी विद्यापीठ चले गए। कुशाग्र बुद्धिमत्ता और जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले चंद्रशेखर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन की ओर आकर्षित हो गए। शुरुआत में उन्हें चंद्रशेखर तिवारी के नाम से जाना जाता था, पर एक घटना ने उनका सब कुछ बदल दिया, उनका जीवन, उनका मिशन और उनका नाम भी। छोड़ो विदेशी, घर घर खादी, 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 घर घर खादी, छोड़ो विदेशी, 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 घर घर खादी, घर घर खादी। प्रोसीडिंग शुरू करने से पहले मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी होगी। तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। फुल नेम? चंद्रशेखर आजाद। पर इस डॉक्यूमेंट में तुम्हारा नाम चंद्रशेखर तिवारी लिखा है। तो फिर आप पूछ क्यों रहे? ऑर्डर ऑर्डर। कुछ फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करनी होती है। जो पूछा जाए उसका सही आंसर दीजिए मिस्टर। तुमने अपना नाम आजाद क्यों बताया? क्योंकि मैंने कुछ समय पहले अपना नाम बदल लिया है।
जो तुमने अपना नाम कब बदला? बस कोर्ट आने के समय रास्ते में। ऑर्डर ऑर्डर। फादर का नाम बताओ। स्वाधीन। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। अब बताओ तुम्हारा रेसिडेंस कहाँ पर है? जेल। ऑर्डर ऑर्डर। तुम्हारे खिलाफ एक सीरियस एलिगेशन है मिस्टर तिवारी कि तुम ऑफिसर गॉर्डन को सीवियरली हर्ट करना चाहते थे। क्या तुम इस बात से अग्री करते हो? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पर तुम्हारे अगेंस्ट कई विटनेसेस हैं मिस्टर तिवारी, तुम्हें लॉन्ग टर्म जेल भी हो सकती है। मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहूंगा कि तुम ये एलिगेशन मान लो तो तुम्हें कम से कम सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। लगता है कुछ गलतफहमी हो गई है जज साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने मिस्टर गॉर्डन पर हमला नहीं किया है। मैंने तो उन पर हमला किया है, पर मुझ पर जो आरोप लगाए गए वो गलत है। अभी अभी तुमने कहा कि तुमने मिस्टर गॉर्डन पर हमला किया और अभी तुम कह रहे हो कि तुम पर जो एलिगेशन लगे हैं वो गलत हैं। What is this nonsense? देखिए जज साहब, मैंने हमला तो किया था पर मिस्टर गॉर्डन को चोट पहुंचाने के इरादे से नहीं, बल्कि मिस्टर गॉर्डन को मारने के इरादे से। Order, order. Looking at the younger age of the accused, the court orders Mr. Tiwari a punishment of 50 whiplashes. थोड़ा जोर से मारिए ऑफिसर साहब, पता नहीं है क्या हिंदुस्तानी शरीर फौलाद का बना होता है। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। इस घटना के बाद सभी उन्हें आजाद कहकर बुलाने लगे। आजाद, अब यह नाम चंद्रशेखर तिवारी की पहचान बन गई थी और यही समय था जब चंद्रशेखर आजाद को एहसास हुआ कि उन्होंने खुद को गांधी जी के आंदोलन से अलग कर लिया है, क्योंकि उन्होंने सशस्त्र क्रांति की राह पर चलने का फैसला कर लिया था। इसके बाद वे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, मन्मथ नाथ गुप्त, राजेंद्र लहड़ी और रोशन सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल भी हो गए। इस एसोसिएशन के सभी सदस्यों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रशिक्षित किया जाता था। उन्हें सैन्य शैली में हथियार चलाना और युद्ध करना भी सिखाया जाता था। फिर शाम को विभिन्न विषयों पर जोरदार चर्चाएं भी हुआ करती थी और एक शाम ऐसी भी आई जिस शाम ने HSRA के सदस्यों की जिंदगी बदल डाली। पंडित जी, हमारे पास धन की बहुत कमी है, इतने में तो सिर्फ मुट्ठी भर हथियार आएंगे और इन मुट्ठी भर हथियारों से देश को आजाद कराना तो बहुत दूर की बात है, अंग्रेजों को डरा भी नहीं पाएंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो आजाद, मैं भी पिछले कुछ दिनों से इसी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर रहा हूं, बल्कि मैंने एक योजना भी बनाई। अगर हमारी वो योजना सफल हो जाती है तो पैसों की समस्या खत्म। क्या योजना है रामप्रसाद जी? ट्रेन पर छापा, काकोरी पार करते ही हम ट्रेन को रोक देंगे और खजाने का बक्सा लूट लेंगे। पंडित जी, आप ये कार्य मुझे सौंप दीजिए, मैं काकोरी स्टेशन जाकर पूरी जानकारी इकट्ठा करता हूँ और लूट की शानदार योजना आपके सामने लेकर आऊंगा। ठीक है आजाद। ये रही योजना रामप्रसाद जी, सबसे पहले आपको और अशफाक भाई को लड़ाई शुरू करनी होगी। जैसे ही आप लोग लड़ोगे आपके आसपास में हंगामा खड़ा हो जाएगा और लोग जमा हो जाएंगे। इतने में रोशन भाई जाकर दोनों गार्ड्स को आपके पास लेकर आएंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि वो आपकी लड़ाई सुलझाएं।
वो देखिए उधर, उधर देखिए दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। जल्दी जाइए नहीं तो वो दोनों एक दूसरे को मार डालेंगे। और जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे, मैं जाऊंगा स्टेशन मास्टर के पास, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो भी आकर आपकी लड़ाई को खत्म करेंगे। अरे कौन लड़ रहा है वहां, इतना शोर क्यों है? मास्टर जी वहां दो यात्री लड़ाई कर रहे हैं, आप जल्दी से जाइए। आपके दो गार्ड कोशिश कर रहे रोकने की पर रोक नहीं पा रहे, इससे पहले खून खराब हो जाए। आप जल्दी जाइए आप। जैसे ही वो बाहर निकलेगा मैं रजिस्टर से ट्रेन के समय का पता लगा लूंगा। संदूक की चाबी कहाँ? बोल, चाबी मेरे पास नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा पंडित जी, हमने तय किया था हम भारतीय को नहीं मारेंगे, पर ये हमें मजबूर कर रहा है। बता, मेरा यकीन मानो, मेरे पास कोई चाबी नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एक काम करो ताला तोड़ दो। काकोरी कांड की इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस ने एचआरए के सदस्यों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। राम, चंद्रशेखर आजाद झांसी के एक गांव में चले गए थे और वे उसी गांव के स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाया भी करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन नियमित विषयों के साथ साथ आपको ये भी जानना है कि देश में क्या क्या हो रहा है, अंग्रेज हमारे देश को किस तरह से लूट रहे हैं, क्या क्या अत्याचार कर रहे हैं, इसके बारे में आप सबको सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इनके खिलाफ लड़ना है, इस अत्याचार को रोकना है। याद रखना, आज हमारा एक छोटा सा कदम कल एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। मास्टर जी, मास्टर जी, क्या हुआ, इतने घबराए क्यों हो? वो आ गए और वे लोग बच्चे बच्चे से आपके बारे में पूछताछ कर रहे हैं। कौन आ गए, कौन पूछताछ कर रहे हैं? हाँ, अंग्रेजी पुलिस। आप यहाँ से भाग जाइए, हम उनको भटकाने की कोशिश करेंगे। क्या तुम में से कोई आजाद को जानता है? नहीं। तुम्हारे मास्टर जी कहाँ हैं? सर, सर, अभी अभी स्कूल से निकल के एक आदमी गांव की तरफ भागा है। चलो जल्दी चलो। ब
मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझे अंदर छुपा सकती है? आप अंदर छुप जाइए। धन्यवाद। तुमने उस आदमी को देखा जो हमसे डरकर भाग रहा था? वो इधर ही आया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। Did you see a man running? यहाँ तो कोई भी नहीं आया। वो यहाँ नहीं आया। Really? तो फिर मुझे अंदर जाकर चेक करने दो। नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे घर में आ सकते? मैं अकेली हूँ घर में और मेरे पति भी बाहर गए। आप अंदर नहीं जा सकते। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे हैं। मेरे घर में जबरन घुसकर आप देखिए, ये रुक जाइए आप। देखिए ये सही नहीं है, आप गलत कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं यहाँ अकेली हूँ। नंदू भैया, बंसी भैया, देखो ये फिरंगी क्या कर रहा है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए भैया, ये मना करने के बाद घर में जबरन घुसाया है। साहब ये क्या कर रहे हैं आप? साहब ये क्या बात हो गई? जब हमारे घरों में महिला अकेली होती है तो कोई भी उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकता। और इन्होंने तो आपको बताया ना कि घर में कोई नहीं छुपा है, तो आपको इन पर भरोसा करना चाहिए था। आप अभी के अभी घर से बाहर चले जाइए साहब, नहीं तो हम वरिष्ठ अधिकारियों से आपकी शिकायत करेंगे कि आप महिलाओं को परेशान करते हैं। अगर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने उस शैतान को यहाँ जगह दिए छुपने के लिए, तो उसके साथ साथ मैं तुम सबकी भी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एक पल के लिए लगा कि आप सच बोल देंगे और आपके धैर्य की दाद देनी पड़ेगी। धन्यवाद बहन। वंदे मातरम। वंदे मातरम। मेरे प्यारे क्रांतिकारी भाइयों, अपने भारत को ब्रिटिश शासन के अधीन देखकर मुझे बहुत दुख होता। जब मेरे भाइयों को ये गोरे अन्यायपूर्ण ढंग से गिरफ्तार कर फांसी पर लटका देते हैं तब मन विचलित हो जाता है, पर फिर हृदय के भीतर जल रही स्वराज की लौ नहीं बुझती। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि हिम्मत ना हारें और एकजुट होकर रहें, क्योंकि इसी एकता के दम पर हम ब्रिटिश जैसे पापियों का संहार कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि सितंबर सन 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में आएं, ताकि हम सब मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन कर सकें, जिसका उद्देश्य होगा स्वराज। याद रखें कि क्रांति के पथ पर बहाई गई खून की हर एक बूंद आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल बनेगी। इसलिए आइए और एकजुट होकर इस नेक काम को अंजाम दीजिए। आपका अपना चंद्रशेखर आजाद। ये देखकर बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि इस आंदोलन में शामिल होने के लिए केवल एक क्षेत्र से नहीं बल्कि देश के हर हिस्सों से मेरे साथी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यदि ये सभा राम प्रसाद जी की आंखों के सामने हुई होती तो वे कितने खुश होते, ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। भाइयों, राम प्रसाद जी और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की विरासत को जिंदा रखना अब हमारी जिम्मेदारी होगी। पर हमें इस बात से आपत्ति है। राम प्रसाद जी और उनके सहकर्मी, मैंने क्रांति की राह भी उन्हीं से प्रेरणा लेकर चुनी है, पर आज हम भारत के कोने कोने से आकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे भाई पंजाब, सिंध, बंगाल और मुंबई से यहाँ आए। अब हमारी पार्टी सिर्फ भारत के मध्य तक ही सीमित नहीं, जैसे कि राम प्रसाद जी के दौरान आचार्य था। और एक बात, मेरा मानना है कि भारत की आज़ादी के बाद भारत का विकास सिर्फ समाजवाद से ही हो सकता है, और मेरी इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा यह सुझाव है कि हमें अपनी पार्टी का नाम एचआरए से बदलकर एचएसआरए रख देना चाहिए, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रख देना चाहिए। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं?
आज से हम अपना पूरा जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर देंगे और अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी स्वतंत्र भारत में सांस ले सके। लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और नेता थे। साइमन कमीशन के खिलाफ एक अहिंसक विरोध प्रदर्शन में लाहौर के पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया और इस आदेश का पालन करते हुए ब्रिटिश पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आक्रोश भर दिया। लाला लाजपत राय की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, हमें जल्दी कुछ बड़ा करना होगा। क्या सोचा है भगत? स्कॉट की हत्या। स्कॉट पुलिस मुख्यालय में बैठता है और दोपहर के 1:30 बजे वो भोजन के लिए घर जाता है। इस समय उसके साथ कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होता, बस यही मौका है। Who are you? लाला लाजपत राय की मौत व्यर्थ नहीं जाएगी, हमें जल्दी कुछ बड़ा करना होगा। क्या सोचा है भगत? स्कॉट की हत्या। जेम्सन स्कॉट को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। पर कैसे? जब मैं लाहौर में था ये योजना मैंने तभी सोच ली थी। दिसंबर के 2 सप्ताह में हम सब लाहौर में इकट्ठा होंगे, पर अलग अलग, एक साथ नहीं। हथियारों की व्यवस्था मेरे दोस्त करेंगे। स्कॉट पुलिस मुख्यालय में बैठता है और हर समय अधिकारियों से घिरा रहता है, पर दोपहर के 1:30 बजे वो भोजन के लिए घर जाता है। इस समय उसके साथ कोई सुरक्षाकर्मी नहीं होता और बाकी के अधिकारी भी भोजन करने में व्यस्त रहते हैं, बस यही मौका है। सुखदेव, तुम स्कॉट का रास्ता रोकने की कोई योजना बनाओ। ठीक है, मैं और राजगुरु हमला करेंगे। और किसी तरह की परेशानी होगी तो मैं संभाल लूंगा। जी लाला जी के आखिरी शब्द मेरे कानों में बार बार गूंजते हैं। लाला जी ने कहा था, मेरे शरीर पर पड़ने वाली एक एक लाठी अंग्रेजी सल्तनत के ताबूत की कील साबित होगी। तो फिर चलो, ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में पहली कील ठोके। क्या हुआ भगत, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें मेरी योजना पर भरोसा नहीं है? नहीं पंडित जी, आपकी योजना पर भरोसा ना होने का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। हर चीज को लेकर परेशान। कौन सी परेशानी? एक ही स्कॉट को हम मार तो देंगे पर उसके बाद अंग्रेजी पुलिस हमारे पीछे कुत्तों की तरह पड़ जाएगी। तो उन अंग्रेजी कुत्तों को मारने की योजना भी तो बनाई है ना हमने? योजना तो बनाई है पंडित जी, पर फिर भी कुछ गिरफ्तारियां तो होंगी। यकीन मानिए मुझे अपनी गिरफ्तारी की परवाह नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप पुलिस के हाथ कभी नहीं आएंगे। पर यही बात सोच के परेशान होता हूं कि हमारे बाद ऐसे सारे का क्या होगा, उसे कौन आगे लेके जाएगा, क्रांति का क्या होगा।
हमें इन सवालों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो क्या सुझाव है भगत? यही कि हमारे बाद भी ऐसे सारे कांत ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसे सारे से जुड़े। और मैं तो ये भी सोचता हूँ क्यों ना हम महिलाओं को ऐसे सारे में शामिल करें। पर मुझे कभी भी ऐसे सारे में महिलाओं के शामिल होने से आपत्ति नहीं रही है। इसका उदाहरण है दुर्गा भाभी। मैं एक दो महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ पंडित जी, मैं बात कर रहा हूँ पूरी महिला आर्मी की। क्यों ना हम महिलाओं को ऐसे सारे से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। जनसंख्या का 50% हिस्सा महिलाएं हैं और महिलाएं पुरुषों से किसी कीमत पर कम नहीं है। बस जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और शिक्षा की। और एक बार ये महिला शक्ति हमारी पार्टी से जुड़ गई ना, फिर ऐसे सारे के भविष्य की चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं होगी। बहुत अच्छी बात कही तुमने भगत, बहुत अच्छी। तुम्हारे सुझाव, तुम्हारे विचार मुझे हमेशा से पसंद आए हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं आज से ही एचएसआरए में महिलाओं को शामिल करने के, उन्हें प्रोत्साहित करने के काम में लग जाऊंगा। पर अब हमें सिर्फ स्कॉट को मारने की योजना पर ध्यान केंद्रित करना है। इसकी भरपाई कौन करेगा अब? वो मेरे निके निके न्याने हैं, आपने मेरे पेट पे लात मार दी है, क्या कर दिया आपने? तुम जैसा लोगों को तो कार के नीचे क्रश कर देना चाहिए। ए, तू क्रश तभी करेगा ना जब खुद जिंदा बचेगा। चोटिया। Hey, who are you? Some miner. स्कॉट नहीं, कोई और है। अरे फंडा साहब को मार दिया, भागो। बस बहुत हो गया, मैं भगत को असेंबली में बम फेंकने की इजाजत नहीं दूंगा और ये मेरा अंतिम फैसला है। आप लोगों ने ही मुझे अपना अध्यक्ष बनाया था ना, मैं भगत को जाने नहीं दूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपना पद छोड़ दूंगा। क्या हुआ पंडित जी? आप तो हमेशा कहते थे कि आपको खुद से भी ज्यादा भरोसा मेरे ऊपर है,
तो फिर जाने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? क्या मेरी काबिलियत पर संदेह हो रहा है? ऐसी बात नहीं है भगत, और ये बात तुम भी जानते हो। तुम अब भी मेरी पहली पसंद हो, और यही वजह है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैंने इस पार्टी को पहले भी मरता हुआ देखा, एक बार और नहीं देख सकता। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि पार्टी खत्म हो जाएगी? पंडित जी, हम इस देश में रहने वाले हर ब्रिटिशर को तो नहीं मार सकते, पर हाँ, उन 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपनी विचारधारा और अपनी सोच से अवगत करा सकते हैं। और इसके लिए अदालत से बड़ा मंच क्या हो सकता है? अदालत की दैनिक कार्रवाई हर समाचार पत्र में प्रकाशित की जाएगी और जंगल की आग की तरह हर भारतीय तक पहुंचेगी। सच कहूं पंडित जी, इस बार हम ये विस्फोट अंग्रेजी साम्राज्य के सिंहासन के नीचे नहीं कर रहे, बल्कि ये विस्फोट हम 30 करोड़ हिंदुस्तानियों को जगाने के लिए कर रहे हैं, जो अंग्रेजी सरकार की गुलामी को मान चुके हैं। इस धमाके से वो जागेंगे, उठेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करेंगे। पंडित जी, मेरा दिमाग कह रहा है कि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल तार्किक है, सही है, पर मैंने तुम्हारे अंदर एक नया आजाद देखा है, और उस आजाद को खोने से मेरा दिल दहल उठता है। हम तो घर से निकले ही थे, बांध के सर पे कफन, जहां हथेली पर लिए लो बढ़ चले कदम। जिंदगी तो अपनी महिमा मौत की महफिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपको पता है पंडित जी, जब मैंने HSRA ज्वाइन किया था ना, उसी दिन मुझे पता चल गया था कि खून बहाना पड़ेगा, और आपने भी तो कहा था कि हमें खून बहाना पड़ेगा, तो फिर क्यों अपनी बातों से पीछे हट रहे? आज खून बहाने का मौका आया है, तो अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, देश हित के लिए सोचिए। और मैं कहां आपसे दूर जा रहा हूं, आजादी के बाद आप शादी कीजिएगा, मैं आपका बेटा बन के लौटूंगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के नाउ वी विल बिगिन द क्वेश्चन आवर, और लिस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछने के लिए जो सबसे पहले आएंगे वो हैं भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और पर्चे बांटे जिन पर लिखा था, ये धमाका उन अंग्रेजों के लिए है जो ऊंचा सुनते हैं। इस घटना के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इस हमले ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। उन्होंने HSRA के सदस्यों पर कठोर प्रहार किया। राजगुरु,
सुखदेव और सेना के कई अन्य प्रमुख सदस्यों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। केवल एक ही व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश पुलिस नहीं पकड़ पाई, वो थे चंद्रशेखर आजाद। इसलिए वे बहरूपिया के नाम से भी प्रसिद्ध हो गए और 2 वर्षों तक अंग्रेजों को छकाते रहे। हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन है कि आजाद दिल्ली मार्केट एरिया के कहीं आसपास छुपा है। डिवाइड योरसेल्फ इन बैचेस ऑफ 2 एंड गो चेकिंग इन ऑल दीज बिल्डिंग्स। और ध्यान रहे, आजाद बहुत ही स्मार्ट है, अगर उसे जरा सी भी भनक लगी तो वो भाग जाएगा। वी आर दिस क्लोज फ्रॉम कैचिंग हिम। अंडरस्टूड? यस सर। हियर्स द स्केच, टेक अ क्लोजर लुक। इसके चेहरे को अपने दिमाग में छाप लो। रिमेंबर, इफ यू फाइंड हिम यू जस्ट हैव टू अलर्ट मी। और हाँ, मेरी परमिशन के बिना तुम्हें कोई एक्शन नहीं लेना है। एम आई क्लियर? यस सर। Hey! से भागो सुखदेव, मैं तुम्हारे आगे रहूंगा। भागो? नहीं, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकता हूँ। तुम मेरे आगे से सुखदेव, तुम्हें जाना ही होगा। अच्छे सारे फिर से नहीं मर सकता, तुम्हें इसकी भागदौड़ संभालनी है। जाओ यहाँ से। नहीं, वो लोग आपको पकड़ लेंगे और जेल में जानवरों से बदतर सलूक करेंगे। नहीं पंडित जी, मैं आपको ऐसे छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो सुखदेव, तुम भूल गए क्या? मेरी आजादी छीनने वाला कोई पता नहीं हुआ है। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। जाओ यहाँ से। भागो सुखदेव, भागो।
जाओ और चेक करो, अभी भी अगर उसकी सांसें चल रही है, अपने बंदूक में जितने भी बुलेट्स हैं उसके सीने में डाल दो। और इस प्रकार देश के ये महान क्रांतिकारी हुतात्मा हो गए। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु का ऐसा असर हुआ कि पूरे भारत में देशभक्ति की लहर दौड़ उठी। गांव गांव और शहर में लोग सड़कों पर निकलकर चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा होने लगे। अनगिनत लोगों ने स्वराज को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना लिया। यही तो चाहते थे चंद्रशेखर आजाद। हमारा भारत देश जहां ऐसे सपूत ने जन्म लिया, ये महानायक को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन। अगली कड़ी में देखिए राम प्रसाद बिस्मिल की महान गाथा। राम प्रसाद, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दो। आप अपने नाम के आगे बिस्मिल नाम का प्रयोग क्यों करते हैं? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में।